अरे भाई गेम फंस गया कतई से, 0 FPS भाई, क्या हो गया ये? ओ वाह, यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड विद आशीष। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो ऑफिशियली आ गया है, तो आज हम जो इसका टेस्ट करने वाले हैं Realme 8 के अंदर, तो हम लोग देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस की कैसे निकल के आती है और कुछ चेंजेस हुआ या नहीं, लैग होता है या नहीं, हीट होता है या नहीं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम Realme 8 से जानने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और गैस, मैं वीडियो स्टार्ट होने के पहले आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा वेरिएंट कौन सा है। तो देख सकते हो Realme 8 है और Realme Y 2 पर यह रन कर रहा है, एंड्रॉइड 11 है, और जो रैम है वो देख सकते हो आप 4 GB रैम है, और इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो है G95 हीलियो का। तो गैस, मैं आपको बैटल ग्राउंड टेस्ट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो इसका ऑफिशियल वर्जन जो है अपडेट कर लिया है, क्योंकि मैं पहले इसके पहले अर्ली एक्सेस यूज़ कर रहा था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें बग देखने को मिल जा रहे थे। तो देख सकते हो ये अर्ली एक्सेस से हटकर जो है अपना आ चुका है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऑफिशियली। तो इसी को आज हम लोग प्ले करने वाले हैं। तो अभी मैंने इसको जो है गेम स्टार्ट कर दिया, और मैं आपको अभी एक बात बताना चाहूंगा, इसको जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम करेंगे कि विदाउट रिकॉर्डिंग जो है गेम खेलेंगे, यानी कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम जो है हैंड कैम ही आपको दिखाएंगे, तो देखते हैं उसमें लैग होता है या नहीं। और काफी सारे लोग होते हैं जिनको यूट्यूबर्स बनना होता है, तो वो लोग के लिए भी मैं इधर ऑप्शन लेके आ चुका हूँ, क्योंकि मैं जो क्या करूंगा, इसके जो इनबिल्ट रिकॉर्डर है मैं वो यूज करने वाला हूँ, और वो यूज करके भी कुछ मैचेस खेलेंगे और देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस दे देता है ये फोन। तो अगर आप लोग को भी बनना था यूट्यूबर Realme 8 को लेकर, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो देख सकते हो हमारा गेम जो है लोड हो चुका है, हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। मैं पहले आपको ग्राफिक्स दिखा दूँ, तो देख सकते हो ग्राफिक्स में जो है कोई भी हमारा चेंज नहीं है, जो हमको पबजी में मिलता था सेम वही है। स्मूथ में आपको अल्ट्रा मिल जाता है, बैलेंस में आपको अल्ट्रा मिल जाता है, HD में हाई मिल जाता है। तो भाई ये जो अभी ग्राफिक्स आपको मिल जाती है, ये इससे ऊपर जाने वाला भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो भाई पहले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम टीडीएम खेलेंगे हम पहले, और बाद में चलते हैं क्लासिक मैच की ओर। तो चलिए करते हैं अब इसको स्टार्ट। तो भाई देख सकते हो हम जो है आ चुके हैं TDM के अंदर। तो पहले मैं आपको इधर जायरोस्कोप की सेंसी दिखा दूँ, और मैं आपको जायरोस्कोप टेस्ट भी करा देता हूँ। तो देख सकते हो हमारे जायरोस्कोप की जो सेंसी है 400 400 है सब कुछ, और देख सकते हैं जो ऑलवेज ऑन प्लेयर्स है वो आराम से खेल सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, काफ़ी स्मूथ है जायरो, कौन सा भी डिले नहीं देख सकते, एक कुछ 0.1 सेकेंड का भी इसमें जो है डिले नहीं मिलता है। और अगर मैं रिकॉइल की बात करूँ, तो देख सकते हो आप इससे एकदम लेज़र रिकॉइल यूज़ कर सकते हो, यानी कि बहुत ही अच्छा जो है इसका आपको जायरोस्कोप मिल जाता है, आप एकदम आराम से इसके जायरोस्कोप जो प्लेयर है वो आराम से इसमें खेल सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है। चलिए अब करते हैं मैच को कंटिन्यू। तो गाइस अभी जो मेरे को यहाँ पे लैग लगा यार, बहुत गंदा ही लैग हुआ, फिर से लैग हुआ, यहाँ पे जो लैग हो रहा है हमारा पता नहीं क्यों, लेकिन हो रहा है भाई लैग, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो भाई वो जो लैग हुआ था हमारा स्टार्टिंग में, उसके बाद मेरे को कोई लैग नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो यार गेम प्ले पर तो जज मत करना, क्योंकि अभी जो इधर रख के खेलना पड़ रहा है मेरे को टेबल पे, हाँ तो मेरे को खेलना नहीं जम रहा बिल्कुल भी। तो भाई लोग हमारा जो मैच है हो चुका है ख़त्म, और भाई जो स्टार्टिंग में आपने लैग देखा था वही लैग था, बाद में तो कहीं मेरे को लैग लगा नहीं। तो हाँ भाई अभी तो फिलहाल एक्सपीरियंस ठीक है। और यार मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, बैटरी, तो यार अभी आप देख लीजिए 67% मेरी बैटरी है, और अभी आप याद रखिएगा कि कितनी परसेंट हो जाती है। हम कुछ क्लासिक मैच खेलने वाले हैं, और बाद में देखते हैं इसकी परसेंट कितनी गिरती है। और अभी आप टाइम देख सकते हो 12:15 हो रहा है, और चलिए अब हम लोग ना फटाफट से क्लासिक को जो स्टार्ट कर देते हैं। और भाई लोग मैं जो हीट की अगर बात करूँ, तो एक ही टाइम खेलने के बाद हल्का सा फ़ोन जो है वार्म हो चुका है, ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन हल्का जो है अपना फ़ोन जो है वार्म हो चुका है अब। और अब खेलते हैं फटाफट से क्लासिक, सीधा मारते हैं हम हॉट ड्रॉप। सो गाइस हमने जो यहाँ पर जंप कर दिया है, और यहाँ पर तो मेरे को जंप करते टाइम पर एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं दिखा एकदम अभी तक। फिलहाल स्मूथ गेम प्ले, उतरते हैं फटाफट से, चलते हैं बंदे मारने। अरे 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 गाइस गाइस, यहाँ पर बहुत ही गंदा डिप मिला हमको, इधर तो कोई बंदा अभी फ़िलहाल नज़दीक में नहीं है, बट बहुत गंदा लैग हुआ अभी यहाँ पर, लैग तो हो रहा है भाई अभी अभी फ़िलहाल
तो चल गया था 40 पे तुरंत से, लेकिन जब हुआ था तो कुछ ज़्यादा ही FPS गिर गए थे। कोई बात नहीं, देखते आगे क्या होता है। अरे गाइस लैग हो रहा है अभी फिर से अभी लैग हुआ हल्का सा, 36 तक फ्रेम गिरे थे। अरे गाइस मार दिया गाइस इसने हमको, और यार अभी भी हल्के फुल्के फ्रेम तो गिरे हुई है। तो हाँ भाई डिप तो आपको इधर जो है मिल रहा था हल्का फुल्का, और अभी हमने जो है इसका क्लासिक जो है निपटा दिया है। और अभी वॉर्म की बात करूँ तो हाँ अभी हल्का तो जो फ़ोन अपना वॉर्म हो चुका है। और अगर लैग की बात करें तो भाई लैग तो हो रहा था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा लैग तो हल्का फुल्का हो रहा था। और अब हम लोग चलने वाले हैं रिकॉर्डिंग के साथ में, तो भाई देखो रिकॉर्डिंग के साथ में जो है हम लोग यूज़ करेंगे इसका इनबिल्ट रिकॉर्डर। और इनबिल्ट रिकॉर्डर की मैं पहले आपको सेटिंग्स दिखा देना चाहूँगा, वरना बाद में आप बोलोगे कि आपने सेटिंग्स नहीं दिखाया। जाते हैं मोर सेटिंग्स के अंदर, और इधर आप देख सकते हैं जो इसका रेजोल्यूशन है वो मैंने सेट करा हुआ है मीडियम पर, जो कि है 720p और 8 Mbps पर। और अगर मैं इसके FPS की बात करूं तो FPS देख सकते हो मैंने डायनामेटिक पे सेट करा, यानी कि ऑटोमेटिकली जो FPS रिकॉर्ड होगा, मतलब अपना 40 FPS में गेम चलता तो 40 FPS में जो अपना रिकॉर्ड होने वाला है। तो अभी देख सकते हो मैंने इसको खोल दिया है। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं TDM और हम रिकॉर्डिंग के साथ खेलने वाले हैं। तो अभी भाई जैसे हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, लैग हुआ हमारा बहुत गंदा, देख सकते हो 30 फ्रेम जो यहाँ पे डिप हुए, अभी भी डिप हुए। लैग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही हमारा जो है लैग स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं भाई, अभी फिर से लैग हुआ गंदा वाला एकदम। अरे लैग हो रहा है भाई, लैग हो रहा है 28 FPS रिकॉर्डिंग करते समय पर। तो भाई मेरे को स्टार्टिंग में ही लग गया था लैग हो ही रहा है। बहुत गंदा लैग हुआ गाइस, फिर भी मारा, बट बहुत 26 FPS यार, बहुत गंदा लैग हुआ, बहुत गंदा। आहा, अरे भाई गेम फंस गया कतई से, 0 FPS भाई क्या हो गया ये। ओ वाओ, तो गाइस देख सकते हो गेम खेलते खेलते हमारा गेम ऑटोमेटिकली क्रैश हो गया, ऑटोमेटिकली जो है हमारा गेम रिस्टार्ट हो गया। अब क्या बोले, अब इसमें तो भाई कुछ बोल नहीं सकते हम, अब बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं, अचानक से जो हमारा गेम 0 FPS पे गया और गेम जो है रिस्टार्ट हो गया। चलो अब चलते हैं गेम में, अब ये शायद वापस स्टेडियम में तो जाने देगा ही नहीं, अगला स्टेडियम स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल तो स्टार्ट करने के बाद अभी जो इधर FPS मीटर ही ग्लिच हो गए हैं, इधर FPS मीटर ही ग्लिच हो गया, 0 FPS ही बता रहा है, लैग हो रहा है। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही लाइक स्टार्ट, चलो चलते देखते हैं यार। अब अगर क्रैश हो ना भाई, बहुत हो गया, गेम क्रैश हो जा रहा है डायरेक्ट, खेलते खेलते एकदम अचानक से 0 FPS, फिर गेम जो है रिस्टार्ट। FPS इधर ग्लिच हो गया गेम स्पेस में, 0 FPS दिखा रहा, लैग हुआ है यार, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। FPS यार मेरे को ऐसा लग रहा है कंटिन्यूसली 40 तो कॉन्स्टेंट नहीं दे रहा, ये गिरा हुआ तो है FPS इसका। कॉन्स्टेंट ही 0 बता रहा है, एक बार गेम ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्लासिक में रिस्टार्ट करते हैं भाई, लैग हो इधर फिर से। अरे रे 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 रे, गंदा लैग, लैग बहुत हो रहा। दो बंदे एक साथ निकल, फिर से इधर जो हल्का सा लैग हुआ मेरा, हल्का सा क्या हुआ लैग,
सो गाइस, जो हमारा मैच है वो हो चुका है ख़त्म। और भाई अगर मैं मैच की बात करूँ तो भाई हमारा लैग तो हुआ है, लैग हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और हीटिंग की बात करूँ तो भाई पहले से डबल हो चुका है हीट, जो है हमारा हल्का सा फ़ोन हो चुका है क्योंकि हमने ऑब्वियसली रिकॉर्ड करा तो फ़ोन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और अगर अभी हम बैटरी की बात करें तो 62 आपको मिल जाती है। और अभी जो टाइम की बात करो तो 12:30 हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हमने इसको जो है 15 मिनट खेल लिया है। और यहाँ पर जो है बैटरी भी ठीक ठाक है। हमने क्लासिक खेला और अभी TDM खेला विथ रिकॉर्डिंग। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें क्लासिक खेलेंगे और विथ इंटरनल रिकॉर्डिंग खेलने वाले हम। तो देखते हैं यार, अभी TDM में तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था रिकॉर्डिंग के साथ, अब देखते हैं क्लासिक में क्या होता है। गाइस अभी हम जंप करने वाले हैं, देखते हैं जंप करते समय पर लैग होता है या नहीं। तो लैग तो भाई जंप करते समय नहीं हुआ है, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। गाइस इधर जो है मेरे को फिलहाल अभी FPS गिरे गिरे जैसे लग रहे हैं, तो हाँ भाई FPS अभी ड्रॉप हो रहा है रिकॉर्डिंग के समय पर। देखते हैं अभी उतरते हैं, गन उठाते हैं, बंदे को मारने को चलते हैं, देखते हैं लैग होता है नहीं होता है। गाइज मैंने इधर जो है 3 बंदे जो है मारा हूँ और अभी तो फिलहाल मेरे को लैग नहीं लगा इधर, तो हाँ भाई अभी तो फिलहाल ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और गाइस मैंने यहाँ पर जो है अभी एक और क्लच किया है भाई, लैग इतना सा भी नहीं हुआ अभी फ़िलहाल, अभी कुछ भी लैग नहीं हुआ। मैंने जितना इतना अभी तक बंदे मारे, 6 बंदे मैंने मार चुका हूँ, तक लैग तो नहीं हुआ भाई। अरे गाइस अभी यहाँ पर हल्का सा लैग हुआ, अभी आगे बंदा है, लैग हुआ इधर हल्का सा, हो रहा है लैग हो रहा है, FPS गिरे हुए और कंटिन्यूसली ये 0 FPS ही शो कर रहा है। ये ग्लिच हो चुका है, मैंने गेम रिस्टार्ट कर चुका है फिर भी ये ग्लिच हो चुका है, पता नहीं क्यों। वो लैग हो रहा है कंटिन्यूसली लैग हो रहा है। कैंपर साला, कोई बात नहीं। सो गाइस अभी जो हमने यहाँ पर क्लासिक मैच जो है अपना ख़त्म कर लिया है और विथ रिकॉर्डिंग, तो अभी आप बैटरी देखेंगे जो है 60% आपको मिल जाती है और जो टाइम है वो हो चुका है 12:37। और ठीक है भाई, बैटरी तो ठीक ठाक है। और हीटअप की बात करूँ तो भाई हल्का जो है फ़ोन वार्म हो चुका है, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पर जो है थोड़ा सा हल्का सा वार्म होता है, बट नॉर्मली खेले तो नहीं होता है। और अगर लैग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं फ्रेम ड्रॉप जो है देखने को मिल जा रहे थे, हालांकि ज़्यादा नहीं बट कहीं ना कहीं जो है आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल ही जा रहे थे। अब चलते हैं सीधा कंक्लूजन की ओर। सो गाइस जैसे कि आपने देखा पूरा हमारा गेम प्ले, तो हमने जो इसको फुल टेस्ट कर लिया है। और मैं एक बार बताना चाहूँगा, मैंने अर्ली एक्सेस में भी इसको बहुत ज़्यादा खेला तो मेरे को एक्सपीरियंस है। तो अब मैं अगर बात करूँ कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, तो अगर आप कैजुअली खेलते हो यानी कि आप विदाउट रिकॉर्डिंग खेलने वाले हो, मतलब आपको यूट्यूबर नहीं बन रहा, आपको कैजुअली खेलना है, तो आप ये ले सकते हो। बट इसमें जो यार कहीं ना कहीं फ्रेम ड्रॉप जो है देखने को मिल जाते हैं अगर आप कैजुअली भी खेलते हो, तो यार वो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। बट अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है इसको लेकर और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, तो भाई इसको मत लो, बिल्कुल भी इसको लेने का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग होता है। वो पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ कुछ मैचेस जो है काफ़ी ज़्यादा लैग होता है और कुछ कुछ मैचेस जो में लैग नहीं होता है। तो भाई मेरा भी जो दूसरा चैनल है तो मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे को पता है यार कितनी परेशानी होती है रिकॉर्डिंग के लिए। अगर आप कुछ लेते हो मतलब, अगर आपको कैजुअली खेलना तो ले सकते हो, बट अगर आपके नज़र में दूसरा कोई फ़ोन है तो आप बोल सकते हो इसको छोड़कर। मैं तो अभी तक आपको वही सजेस्ट करूँगा, या तो थोड़ा सा वेट करो Realme 9 या फिर Redmi का कोई फ़ोन के लिए। तो भाई देखिए, अभी तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, अभी फिलहाल अगर आप ये नहीं लोगे तो ही ठीक रहेगा क्योंकि कैजुअली भी खेलते तो लैग होता है। तो यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें गेमिंग को रिलेटेड, बाकी सब चीज़ों में तो फोन अच्छा है। तो फाइनल यही बोलूँगा, दूसरा फोन आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो वीडियो कैसा लगा। और आपकी जो भी क्वेरीज है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।